प्रहलाद पटेल ने ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा है कि छिंदवाड़ा में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ों के नाम पर आग में उन्हें मत झोंकिए, सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने छिंदवाड़ा में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आरक्षण को लेकर पिछड़ों के नाम पर सबको मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। छिंदवाड़ा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भाग लेने पहुंचे प्रहलाद पटेल ने रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि आप यदि मध्य प्रदेश के घटनाक्रम को देखेंगे तो 2009 में न्यायालय ने कहा था कि आप आयोग के थ्रू अपने रास्ते को तय कीजिए। दुर्भाग्य से वह चीजें यहाँ नहीं हो पाएंगी क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आयोग नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय राज्य में बन सकता था या नहीं बन सकता था यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन जो कोर्ट ने जो कहा उसका यह कारण हो सकता है। बिहार में चुनाव में आरक्षण है। उन्होंने कहा कि देश के संसद में नौकरियों में 27% आरक्षण की बात कही, लेकिन निर्वाचन में यह होगा कि नहीं क्लियर नहीं है। कोई भी राज्य चुनाव के बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में जाकर भारत सरकार से पूछना था या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना था, पर वो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं पूछ सकते थे क्योंकि 2009 में कोर्ट कह चुका था कि आपको इस पर काम करना चाहिए। तो बिना कागजात देखे जब भी हम कोई फैसला करेंगे तो यह कॉम्प्लिकेशन होगा। पत्रकारों से प्रहलाद पटेल बोले कि पिछड़ों के नाम पर उन्हें आग में मत झोंकिए, मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ता हूं और अच्छे से समझता हूं। मेडिकल की काउंसलिंग रुकी हुई है, यूपीएससी के रिजल्ट रुके हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें फास्ट ट्रैक पर जाकर काम करने की जरूरत है। बेहतर होगा कि हम एक साथ का तरीके से न्यायालय के पास जाएं या फिर संसद में जाएं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ इसलिए नहीं सकते थे मध्य प्रदेश में खासकर, जिनके लिए आप संकेत कर रहे हैं, क्योंकि 2009 में ऑलरेडी कोर्ट कह चुका था कि आपको इस पर काम करना चाहिए। तो बिना कागज देखे जब हम कोई फैसला करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन बनेंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, पिछड़ों के नाम पर आग में उन्हें मत झोंकिए। मैं बहुत पिछड़ों के बारे में सुनता हूँ, समझता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ। यूपीएससी में एप्टीट्यूड टेस्ट की बात आएगी तो वो लड़ाई मैंने ही लड़ी। मैं समझ सकता हूँ कि ये बार्गेन कहाँ से होता है। आज मेडिकल की काउंसलिंग रुकी हुई है, यूपीएससी के रिजल्ट्स रुके हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें बहुत फास्ट ट्रैक में जाकर इसमें काम करना होगा। बेहतर होगा कि हम एक साथ मिलकर और तरीके से न्यायालय के सामने जाएं या फिर संसद में जाएं। छिंदवाड़ा से BCN News के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।